अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन रेसिपी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। गुलाब जामुन तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आप सबकी फरमाइश पर गुलाब जामुन की रेसिपी अपलोड कर ही देते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो खवा लिया हुआ है और उसमें एक कटोरी मैदा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें खवा ज़्यादा होना चाहिए और मैदे की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर आधा किलो खवे में सिर्फ एक कप मैदा डाला हुआ है। अब थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने से गुलाब जामुन में इलायची की हल्की सी स्मेल आएगी, जो बहुत ही अच्छी लगेगी गुलाब जामुन में। इसके बाद एक चुटकी सोडा डाल देंगे। इस तरह से हमें डो बनाकर रख लेना है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से बॉल्स अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। आधा किलो शक्कर लेंगे और उसमें तीन बड़े गिलास पानी डाल देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर अपने हिसाब से डालें, मैं यहाँ पर आधा टीस्पून डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रख के चाशनी बनाएंगे। चाशनी को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे। ये इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और ये हमारे बॉल्स भी इस तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें एक एक करके बॉल्स को डालते जाएंगे। अभी हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और बॉल्स को डालते जाना है। गैस को मीडियम रखेंगे तो ये जो गुलाब जामुन है अच्छे से अंदर तक डीप फ्राई हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद इसे दूसरी साइड पलट देंगे। इस तरह से हमें 2-2 मिनट के बाद गुलाब जामुन को दूसरी साइड पलट के इसे फ्राई करना है। 2 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरह का कलर हमें परफेक्ट लग रहा है, हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको और डार्क कलर चाहिए तो आप इसे और फ्राई कर सकते हैं। हमें इतना ही कलर पसंद है तो हम इसे निकाल लेंगे। और अभी जो हमारे गुलाब जामुन बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से जिस तरह फर्स्ट टाइम हमने इसे फ्राई किया था 2-2 मिनट बाद पलट कर, उसी तरह इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। गैस को मीडियम पे रखना है। अगर गैस को फुल फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऊपर से सिर्फ लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे, इसलिए गैस को मीडियम रखेंगे तो ये अंदर तक डीप फ्राई हो जाएंगे। चलिए ये भी रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी अब निकाल कर रखेंगे। हमने सारे गुलाब जामुन को फ्राई करके एक बर्तन में रख लिया है। ये थोड़े ज़्यादा ही हो चुके हैं, इसलिए हम 2 बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़े निकालेंगे और इस वाले में थोड़े निकाल देंगे, क्योंकि चाशनी डालेंगे तो इन्हें स्पेस चाहिए, क्योंकि ये चाशनी डालने से फूल जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें 2 साइड रखा है। अब चाशनी को ऊपर से डाल देंगे। 10 मिनट में हमारे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोख लेंगे और एकदम फूल जाएंगे। चाशनी डालने के बाद इस तरह चम्मच से जामुन को चाशनी में डिप करते जाएं। होममेड गुलाब जामुन रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप भी इस तरीके से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल इजी मेथड से हमने आपके साथ गुलाब जामुन रेसिपी शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इजी एंड न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।